Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Today is 2nd of December 2020 and we are discussing the newspapers The Hindu and Indian Express. आज हम देखेंगे कि इन दो newspapers में आपको कौन सी news study करनी चाहिए और कौन सी नहीं study करनी चाहिए. It loses a lot of time for even serious aspirants because they don't know what to study in a newspaper and what not to. हमारी इस video series का जो purpose है वो ये है कि हम आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि आपको कौन सी न्यूज़ पढ़नी है और कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी है. सो यू कैन हैव अ पेन एंड पेपर विद यू बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन सिंपली राइट डाउन दो 6 to 7 न्यूज़ आइटम्स दैट आई विल टेल यू विद पेज नंबर वाइज. पेज नंबर और न्यूज़ की हेडलाइन आप नोट कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो एंड रीड ओनली दोज न्यूज़ एंड कैन बी सेटिस्फाइड दैट दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दीज आर द ओनली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट आई हैड टू रीड फॉर द सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन. तो आज के लिए वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, लेट अस स्टार्ट. द हिंदू में ऑन द फ्रंट पेज जीएसटी इनफ्लोज टॉप 1 लाख करोड़ फॉर सेकेंड मंथ इन अ रो. तो सेकेंड मंथ कंजेक्यूटिवली जीएसटी इनफ्लो है इंडिया में, इट हैज क्रॉस्ड 1 लाख करोड़ रुपीज, विच एग्जैक्टली इज शोइंग द इकोनॉमिक रिकवरी. तो कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन, उससे पहले ही थोड़ा सा इकोनॉमिक रिसेशन का फेज चल रहा था. सो आफ्टर मंथ्स ऑफ डूम फॉर इंडियन इकोनॉमी, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग ग्रीन शूट्स. तो 2 महीने लगातार, अक्टूबर एंड नवंबर, वी हैव सीन द डेटा ऑफ जीएसटी crossing 1 lakh crore rupees, the collections crossing 1 lakh crore rupees, which was going down for all these months, right? So it is very very heartening news. ये इसलिए भी ज़्यादा important हो जाती है क्योंकि पिछले कुछ time से 2 या 3 agencies जो data provide कर रही हैं economic data India में, उसमें थोड़ी सी mismatch देखने को मिला है. GDP data for quarter 2nd, quarter 3rd, even quarter 1 एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी डेटा, तो इसमें थोड़ी सी एक मिसमैच देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट गोइंग डाउन वेल विद द इकोनॉमिस्ट्स एंड द एक्सपर्ट्स. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द टैक्स कलेक्शन डेटा टेल्स अ लॉट अबाउट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एंड जीएसटी कलेक्शन मीन्स दैट इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू अगर ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स द इंडियन इकोनॉमी इज इंडीड रिकवरिंग. देर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर इट. नवंबर का जो मंथ है वो फेस्टिव सीजन होता है इंडिया में एंड इट इज अ डिसरप्शन ओवर द usual course of, you can say, usual economic activity. तो अक्टूबर और नवंबर का डाटा इसलिए भी शूट अप हो सकता है बिकॉज इट वॉज द फेस्टिव सीजन. बट एनी वे इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ इट्स स्लम्बर. उसके बाद सेकेंड न्यूज है, फार्मर्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट एज नो डील रीच्ड इन टॉक्स विद गवर्नमेंट. ये न्यूज एक चेन में चल रही है, ये आपको daily cover करनी है. फार्म लॉज के ऊपर क्या इश्यूज हैं और उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है. काफ़ी सारे इससे रिलेटेड एंसिलरी टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि APMCs, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज. देन यू ऑल्सो हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू MS स्वामीनाथन कमिटी एंड इट्स रिपोर्ट. MS स्वामीनाथन कमिटी एंड इट्स रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कल की मीटिंग में जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया कि एक पैनल बनाया जाए जो कि किसानों की सभी प्रॉब्लम्स को सुनेगा और एक प्रॉपर डायलॉग होगा जिसके बाद वो इनपुट सरकार को दी जाएगी. लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में MS स्वामीनाथन कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट भी कंसिडर की जानी चाहिए. इनफैक्ट यू शुड नो वट वर द प्रोविजन ऑफ दैट कमेटी, वो कमेटी क्यों बिठाई गई थी, उसने क्या रिकमेंड किया, गवर्नमेंट ने उसमें से कितना इंप्लीमेंट किया, ऑल दीज थिंग्स ये आपको इस न्यूज से करना है. मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड टू द एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6, रीजनल प्रायोरिटीज. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक अच्छा एडिटोरियल है. द SCO सर्व्स इंडियाज क्वेस्ट फॉर जियोपॉलिटिकल बैलेंस एंड रीजनल एंगेजमेंट. तो इंडिया और उसके लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये इसमें बताया गया है. इसमें आपको जो 2 चीजें समझनी है, नंबर 1 द बैकग्राउंड ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, इसका ओरिजिनली नाम क्या था, इसमें मेंबर कंट्रीज कौन से थे और धीरे धीरे कैसे इंडिया का रोल इसमें ग्रो किया है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉज अर्लियर नॉट अ मेंबर, देन इट बिकेम एन ऑब्जर्वर, देन इट बिकेम अ फुल फ्लेज मेंबर अलॉन्ग विद पाकिस्तान. तो कैसे ये एक फोरम की तरह इंडिया
के साथ ग्रो कर रही है, कैसे इंडिया की मल्टीलेटरल एंगेजमेंट ग्रो कर रही है, बेसिकली SCO के बारे में सब कुछ, और इंडिया SCO रिलेशंस, हाउ SCO कैन हेल्प इंडिया एंड हाउ इंडिया कैन बेनिफिट SCO, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका IR पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रिपेयर करना है बिकॉज इट इज इन न्यूज. सेकेंडली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क अलॉन्गसाइड चाइना इन क्विकली अनकवरिंग द ओरिजिन्स ऑफ द वायरस. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जैसे पहले SARS, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि MERS के वक्त जैसे उन्होंने उसके ओरिजिन को ट्रेस किया था, वैसे ही अब वो कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 के ओरिजिन को भी ट्रेस करना चाहते हैं. सो इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है दैट China should help World Health Organization in actually discussing those issues and in actually tracing the origin of the virus. तो ये क्यों ज़रूरी है, ये इस एडिटोरियल में समझाया गया है कि अगर ट्रेसिंग अच्छे से हो पाएगी, ओरिजिन अच्छे से ट्रेस हो पाएगा, तो आने वाले वक्त में ऐसे वायरस कम हो पाए, इसके लिए कोई प्रिवेंटिव स्टेप उठाया जा सकता है. सो इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दैट यू कैन रीड. आगे बढ़ते हैं ऑन पेज नंबर 7. थोड़े से ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये आर्टिकल है व्हाई बिजनेस बैरन्स शुड नॉट रन बैंक्स. तो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बैंक्स क्यों नहीं होने चाहिए, उसके लिए ये आर्टिकल है. अ बिट यू कैन से ओपिनियनेटेड आर्टिकल इट इज, सो यू कैन टेक सम ऑफ इट्स पॉइंट बट यू शुड ऑलवेज बैलेंस योर आंसर. तो इसे आप पढ़ सकते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी. IR के लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नो लेवरेज फॉर बाइडन ऑन ईरान. US ईरान रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. ये दोनों आर्टिकल्स पढ़ने आपके लिए ऑप्शनल हैं, यू मे और मे नॉट रीड दिस आर्टिकल्स. देन आगे चलते हैं, तो इन पेजेस के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट जो है ज्यादा न्यूज वो नहीं है. सो लेट अस मूव टू द वर्ल्ड पेज, पेज नंबर 13 वर्ल्ड पेज. चाइना पाकिस्तान साइन मिलिट्री डील. चाइना और पाकिस्तान ने आपस में एक मिलिट्री डील साइन कर ली है. इसका इंप्लीकेशन इंडिया के लिए क्या होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, ये एक टॉपिक है आपका, सब टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड. तो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना और पाकिस्तान दोनों जो इंडिया के एडवर्सरीज हैं आज के टाइम में, उन दोनों ने आपस में मिलिट्री डील साइन की है. व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ द डील, नंबर वन. नंबर टू, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया. तो ये डील साइन करने के पीछे एक रीजन जो माना जा रहा है वो है इंडिया का क्वाड में ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाना. क्वाड यानी कि सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों इसके मेंबर्स हैं. ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं विच इज़ फॉर द सिक्योरिटी एंड फ्री एक्सेस टू द इंडो पैसिफिक रीजन. इसके लिए ये एक बनाया गया है क्वाड. तो ये देखा जा रहा है कि शायद क्वाड की बढ़ती पावर को टैकल करने के लिए चाइना और पाकिस्तान ने एक मिलिट्री डील साइन की है. तो एक हायर लेवल पर इनकी मिलिट्री एंगेजमेंट जा रही है. हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. IR के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करनी है न्यूज़. Then another important news, in Karabakh, Putin plays peacemaker. तो पिछले कुछ महीनों से नेगोर्नो काराबाख रीजन, जो कि आर्मेनिया अजरबैजान में, इन दोनों कंट्रीज में इस रीजन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें रशियन प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एज अ सीज फायर, यू कैन से मीडिएटर का काम किया है. तो उन दोनों कंट्रीज में सीज फायर एनफोर्स कराने में व्लादिमीर पुतिन हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. आर्मेनिया और अजरबैजान दो कंट्रीज हैं जिनमें एक रीजन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, एंड अजरबैजान इज सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज, वेयर एज आर्मेनिया इज सपोर्टेड बाय रशिया. सो नाउ रशियन प्रेजिडेंट हैज प्लेड एज अ, यू कैन से अ क्राइसिस डिफ्यूजर और एज एन इंटरमीडियरी टू साइन अ सीज फायर डील बिटवीन द टू कंट्रीज. अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए. UPSC asked questions related to some
अनकन्वेंशनल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, तो ये उसमें से एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है। तो जैसे हमने फ्रंट पेज न्यूज़ देखी जीएसटी कलेक्शंस गो अप, उसी तरह से बिजनेस पेज के ऊपर भी दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अगेन दे आर रिफ्लेक्टिंग दैट इंडियन इकोनॉमी इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक। फर्स्ट इज पीएमआई शोज मैन्युफैक्चरिंग लूजिंग स्टीम। तो जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी थोड़ी जो है इट इज लूजिंग स्टीम, ये थोड़ा सा कम हो रही है। बट ऑन दी अदर हैंड नवंबर पावर कंजम्पशन ग्रोथ स्लोज टू 4.7%। तो ये वही न्यूज़ जो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस की थी कि जीडीपी डेटा जो है वो कुछ और डेटाज के साथ मैच नहीं हो रहा है। जीडीपी डेटा इज शोइंग रिकवरी वेयर एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एक्चुअली नॉट इंप्रूविंग दैट मच, नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन। इन दोनों न्यूज से हमें यही पता चलता है कि पावर कंजम्पशन की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, पीएमआई में यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। सो वी हैव टू सी द होल पिक्चर दैट ऑल्दो द जीडीपी इज इंप्रूविंग, ऑल्दो द टैक्स कलेक्शन इज गोइंग अप, बट इट इज नॉट रिजल्टिंग इन एक्चुअल पिकअप इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और एक्चुअल पिकअप इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इट इज कंसिडर्ड एज अ बेंच मार्क फॉर इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो नो डाउट टैक्स कलेक्शन आर गोइंग अप, बट टैक्स कलेक्शन जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं आते, दे ऑल्सो कम फ्रॉम सर्विस सेक्टर, दे ऑल्सो कम फ्रॉम वेरियस अदर सेक्टर्स। तो इसलिए हर डेटा को उसकी अलग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है। दिस इज व्हाट दीज टू न्यूज टेल अस। ये दोनों आपको करनी है। देन वी मूव ऑन टू द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में रीजनल पेजेस के बाद हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज की तरफ। अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन रीड द रीजनल पेजेस एज वेल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब और हरियाणा और हिमाचल, बिकॉज दिस इज अ बेसिकली नॉर्थ इंडियन न्यूज़पेपर। तो उन पेजेस को आप पढ़ सकते हैं, उनमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बट फॉर यूपीएससी और जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू द एक्सप्लेन्ड पेज इज इंपॉर्टेंट। वट इज एमरजेंसी यूज अप्रूवल? तो किसी भी वैक्सीन को एक एमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया जाता है और एक उसको यूजुअल अप्रूवल दिया जाता है। सो हाउ आर दीज टू अप्रूवल्स डिफरेंट, वट आर द इम्प्लीकेशन, वट इज द प्रोसीजर, ये सब कुछ इस आर्टिकल में है। यू कैन रीड दिस आर्टिकल। उसके बाद एक्सप्लेन्ड पेज पर ही इंट्री रिंग्स वार्निंग ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लड्स। अगेन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे आपने जरूर पढ़ना है। ये वाला आर्टिकल आप छोड़ सकते हैं। देन वी मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पे आज दो आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट इज मेंड एंड रिपेयर। तो ये द हिंदू की जो जीएसटी कलेक्शन वाली न्यूज है उसी के साथ ये एडिटोरियल है कि जो सेंटर के टैक्स कलेक्शंस ने पेस पिकअप कर लिया है अक्टूबर नवंबर दो महीनों में, 1,00,000 करोड़ रुपीज हैव बीन क्लॉक्ड इन जीएसटी कलेक्शंस। अब सेंटर गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा करनी चाहिए सो दैट द इकोनॉमी कैन एक्चुअली रिवाइव, ये इस एडिटोरियल में समझाया गया। यू कैन रीड दिस फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड देन आईआर के लिए रिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, जो ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की असैसिनेशन की गई है उससे कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन राइज हो सकती हैं, कैसे जो ईरान न्यूक्लियर डील है जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA है उसको रिवाइव करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, दिस इज डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। सो JCPOA रिवाइव होगी या नहीं इस पर काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो टिकी हुई हैं। दिस डील वॉज साइंड इन 2015 बिटवीन P5+1, P5 यानी कि द 5 प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल अलॉन्ग विद जर्मनी। इन 6 कंट्रीज ने ईरान के साथ एक डील साइन की थी जिसमें ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, उसे काफ़ी हद तक जो है स्लो कर दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया था, और उसके बदले में ईरान से न्यूक्लियर जो इकोनॉमिक सेंक्शंस हैं वो हटा लिए गए थे। बट लेटर द US प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रंप केम इन टू पावर एंड ही डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द डील बिकॉज उन्हें लगा कि अमेरिका के साथ ये इनजस्टिस है और ईरान को अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो लेवरेज दी गई है। तो इसलिए उन्होंने 2018 में अनाउंस कर दिया दैट ही विल बी विदड्रॉइंग फ्रॉम द डील एंड ही विदड्रू फ्रॉम द डील। सो नाउ दैट द US एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू चेंज, मिस्टर जो बाइडन हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू US प्रेजिडेंट, इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर द JCPOA विल बी रिस्टोर्ड एंड वेदर US विल अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ द डील।
लेकिन इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं लाइक द असैसिनेशन ऑफ इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दिस कैन बी अ बिग हर्डल एज फार एज रिस्टोरिंग द यूएस ईरान रिलेशंस इज कंसर्न्ड। तो ये आर्टिकल आपको उस कॉन्टेक्स्ट में जरूर करना है। राइट, सो आईआर के आज बहुत आर्टिकल्स हैं और इंडियन इकोनॉमी से आज काफी न्यूज आइटम्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में मेंशन है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।